मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, बट ये इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिया गया। बहुत ईजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डिफिकल्ट नहीं है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ना, वहां पे एंड डाउन पोजीशन पे फिर ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन पे, तो वहां पर डायरेक्शन का मैटर था, डायरेक्शन का लफड़ा था। बट यहाँ पे आपको पता ही है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो जब स्केलर क्वांटिटी होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्टली एड करना पड़ता है। तो आज मुझे डिस्कस करना है इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो स्टूडेंट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर उस लेक्चर को स्किप कर दें तो प्लीज वहां पे जाके स्किप ना करिए, उसको देखिए उस लेक्चर को और तभी आप यहाँ पे आइए। तो ये अगर उसको आप देखे रहेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं देखे, अगर उसको देखने की इच्छा नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, आपको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा। सो स्टूडेंट एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज यहाँ शेयर कर दिया करो। शेयर करने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, आप लोगों की दुआ रहती है, ठीक है। तो प्लीज देखने के बाद वैसे मत छोड़ा करिए, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक जितने भी हैं आपके पास सब पे शेयर किया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जो बना हुआ है प्रेस कर देंगे जिससे जितने भी वीडियो आपको मिले जैसे उनका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो बस इतनी सी दुआ करिए कि आप वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करें और कमेंट कर दिया करें। कमेंट करने से क्या होगा, मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता स्टूडेंट। तो प्लीज लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर करना मत भूला करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तभी तो मजा आएगा, ठीक है ना, तभी तो हमें हमारे पास ऊर्जा आएगा, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आनी चाहिए ना। तो इसने विदाउट लॉसिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सो देयर आर 3 कंडीशन, फर्स्ट इन डाउन पोजीशन, सेकंड इज ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन एंड थर्ड इज व्हाट एट एनी पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जा रहा हो तो वहां पे 3 कंडीशन होता है। एक इन डाउन पोजीशन पे, यानी कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, इन डाउन पोजीशन का मतलब क्या, या तो इधर या तो फिर इधर। एक होता है ऊपर नीचे, इसको कहते हैं क्या, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन, या तो ऊपर या तो फिर नीचे, आपने सीखा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। और तीसरा होता है एट एनी पॉइंट, तो वो भी आपने सीखा है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे भाई। हाँ, और यहाँ पे आज हमको लोग निकालना है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी कैसे, बहुत आसानी से, ठीक है ना, इजी वे से, डिफिकल्ट नहीं होने वाला है लेक्चर, ठीक है। आप प्यार से देखिए आसानी से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, उसको भी दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अगर आपने क्या किया, आपने दिल में ठान लिया कि नहीं हम पीछे नहीं जाएंगे, हमें आगे ही बढ़ना है, आपने क्या सोचा कि हमें पीछे नहीं जाना, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना, हम इसी वीडियो को देख करके पूरा समझेंगे, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना जाए, तो ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट क्यू, ये क्या आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी, और इस पॉइंट पे आपको चेक करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो जो होता है वो फॉर्मूला होता है बच्चा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि आपके पास एक छोटू सा चार्ज हो, छोटू सा है ना, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। तो अब सुनिए, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो वहां पे 3 कंडीशन मैंने बताया था, एक एक्सिस पे इन डाउन पोजीशन पे, एक क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि ऊपर नीचे होगा, जिसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन, और एक होता है कहीं पर भी आप निकाल दीजिए। तो इस लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे इन डाउन पोजीशन पे एंड ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन पे, ठीक है। तो ये रहा इन डाउन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन। तो इसमें सब कुछ तैयार है, बस आपको क्या करना है, खाना ही है, ठीक है, खाना बन चुका है, इसको पहले इरेज ही कर देते हैं। देखो समझिए पहले फिगर, ये आपका एक डायपोल ए बी है, ये क्या है, एक डायपोल ए बी है,
और इसका सेंटर क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस 2L होता ही है, तो जब ये सेंटर हो गया तो EL AB कितना हो गया EL। अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, ओके वन सेकंड बच्चा मैं क्या बोल रहा था कि ये आपका ये भी डायपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज, इसका सेंटर क्या है O है और उनके बीच का सेपरेशन क्या है 2L, तो यानी कि अगर 2L है ये कितना हो जाएगा या ये भी कितना हो जाएगा EL। अब इसके सेंटर O से देखो R डिस्टेंस पर, अच्छा इंटर पोजिशन पे तो जा रहे हैं, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या डिटरमाइन कर लिया, P कर लिया। भाई देखो ए बी डायपोल हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां से R डिस्टेंस पर पॉइंट क्या हो गया P, और इस पॉइंट P पे क्या निकालना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चे क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, दो काम सुनिए ध्यान से, पहले जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रहता है उस पॉइंट की आपको डिस्टेंस चाहिए कहां से, चार्ज से, लेकिन ये आर कहां से डिस्टेंस दिया है, सेंटर से दिया है। भाई आसान है, ये आर है तो ये क्या है एल है, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एल, ये इतना आर है ये कितना एल है, तो पूरा कितना हो जाएगा आर प्लस एल। अब मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यहां पे वी वन है, डायरेक्शन को कोई मतलब होता ही नहीं है, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है स्केलर, याद कर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है स्केलर है, ठीक है बताया गया लेक्चर में। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया वी वन, और जो प्लस क्यू है इसकी वजह से क्या हो गया वी टू, तो ठीक है ना, इतनी बात समझ में आया। तो अगर मैं आपसे अब यहां पर पूछूंगा बताओ नेट पोटेंशियल कितना होगा, कहोगे सर एक बार इसकी वजह से आया है एक बार इसकी वजह से आया है, दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी का टू क्या हो गया वी वन प्लस वी टू। एक बात दिमाग में रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में साइन भी होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है चार्ज का साइन भी होता है, ठीक है ना, हाँ ये चीज भूलना मत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज का साइन भी होता है, ठीक है। तो वी का टू क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता था वी का टू, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर, कठिन तो नहीं लग रहा है ना, क्यू क्यू क्या निगेटिव चार्ज माइनस क्यू अपॉन आर, आर क्या देखो पूरा डिस्टेंस आर प्लस है, फिर प्लस हो गया वी टू क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर, क्यू हो गया आर के प्लस पे क्या आर माइनस एल, देखो आर माइनस एल। तो भैया क्या किया मैंने क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन, यहाँ पे कितना आ गया माइनस वन अपॉन आर प्लस एल प्लस वन अपॉन आर माइनस एल। नाउ हियर वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, बच्चे क्या कर लो इनका एलसीएम दे दो आर माइनस एल आर प्लस एल, ओके आर माइनस एल आर प्लस एल हो गया, और ये तो फिनिश होगा, ये आएगा जब इसको यहां पे मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा माइनस आर प्लस एल प्लस, इसको यहां पे करा दो तो प्लस आर प्लस एल, ये क्या हो गया खत्म हो गया, इसको अंदर भेज दो वीकल टू वन अपान फोर पैक फाइल जीरो क्यू को अंदर भेज दो क्यू इंटू टू एल ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनो, यल जो होता है आर से बहुत छोटा होता है आपको पता ही है, एल क्या होगा आर से बहुत छोटू होगा, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा और छोटा सा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर का काम खत्म ही हो गया, एल स्क्वायर का काम क्या हो गया खत्म ही हो गया, समझ में आई बात है। अरे भाई यल बहुत छोटा है बहुत छोटा है, छोटे का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो V इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम जिसका डायरेक्शन किधर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, इसका काम खत्म पी अपान आर स्क्वायर। तो माय डियर बच्चा अच्छा फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी अपान आर स्क्वायर, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी वजह से अगर आपको इन डाउन पोजिशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है तो फॉर्मूला रन कर लो दिमाग में V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, अगेन क्लियर V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, नोट डाउन करिए और फिर हम बात करते हैं ब्रॉडसाइड ऑन पोजिशन की, ओके सो नोट डाउन।
ओके ठीक है। और अब हम बात करते हैं ब्रोड साइड ऑन पोजिशन की, यानी कि जब वो पॉइंट पी, पॉइंट पी कहाँ है आपकी बार, इधर नहीं थारे को कहाँ फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, तो फिर कहाँ हो सकता है, नीचे हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना कर दिया मैंने एल, यहाँ पे क्या कर दिया एल, ये तो बात आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या हो गया पी, और इस पॉइंट पे क्या निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने कहा था आपसे कि जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए उसके डिस्टेंस कहां से चाहिए, चार से चाहिए, तो आपको इस चार से लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल, एल स्क्वायर यहां से लेंगे जब कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम है ये भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर फेस स्क्वायर, इतनी बात आपको पता ही है, कुछ करना नहीं, वही प्रोसेस। यहां पे क्या राइट किया, कंसीडर वी वन एंड वी टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसकी वजह से वी वन, इसकी वजह से क्या हो गया वी टू, एट लास्ट में क्या करेंगे दोनों को हम एड कर देंगे, बस इतना काम करना था। सो वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी वन क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन आर, तो क्यू निगेटिव होगा, आर के प्लस में क्या स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई। हाँ जी आप सुनो, प्लस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या हो गया खत्म, वी कर क्या हो गया जीरो, यानी कि ये हुआ कि ब्रोड साइड ऑन पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चा जीरो होता है, लर्न कर लो, ब्रोड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जीरो होता है, चार्ज देखो है माइनस क्यू और प्लस क्यू, बट अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहीं से एक न्यूमेरिकल बनेगा आपको आगे मैं बताऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनेगा, तो जिसको आपको बहुत ध्यान समझना है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, किस प्रकार से हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, पॉजिटिव से कैसे बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव से कैसा होगा, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था, पॉजिटिव पॉजिटिव से कैसा होगा, तो उसके बारे में रिकॉल करेंगे, सॉरी बात करेंगे आगे, ठीक है, रिकॉल नहीं करना है। हाँ तो ये था ब्रोड साइड ऑन पोजिशन पे, ओके बच्चा समझ में आया होगा, बहुत आसान है, जीरो होता है। अब हम बात करते हैं एट एनी पॉइंट, जिस जो कि बहुत थोड़ा मजेदार है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ओके सो नोट डाउन, ओके ये तीसरा आ गया एट एनी पॉइंट, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा, इसलिए मैंने सब कुछ राइट नहीं किया, ठीक है, नहीं अदरवाइज राइट होता पहले से और फिर लास्ट में बता देता, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको तो थोड़ा बहुत समझ में ना आए, इसलिए मैंने क्या किया फ्रेश एकदम बिल्कुल न्यू तरीके से समझाया मैंने, ठीक है, न्यू तरीके से समझाऊंगा। सो लेट्स सी डायपोल, पुरानी बातें, माइनस क्यू प्लस क्यू ए एंड बी, अब डिस्टेंस बिटवीन टू एल, दिस इज द सेंटर एल एंड आल्सो एल, एट थीटा एंगल देयर इज अ पॉइंट कैपिटल पी एट वेयर द बी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आया। मैंने ये कहा कि अब इसकी सेंटर है उसे थीटा एंगल पे, देखो ना तो ऊपर ना तो इधर, थीटा एंगल पे गया, कितने एंगल पे गया थीटा एंगल पे, पॉइंट क्या हो गया पी हो गया, और इस पॉइंट पी पे क्या करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है भैया, ठीक है ना। हाँ तो इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस यहां से चाहिए और इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको यहां पे चाहिए, तो यानी कि आपको एक बार चाहिए पीबी, एक बार क्या चाहिए एपी, तो पीबी या फिर कह सकते हैं कि बीपी, बीपी क्या होगा भैया, देखो अगर आपको बीपी निकालना है क्या करना पड़ेगा, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, क्या हो गया बच्चा परपेंडिकुलर लाइन, जो ये बीपी है अप्रोक्सीमेटली एमपी की इक्वल हो जाएगा, बीपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हुआ एमपी के, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि जो बीपी है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है एमपी के, तो भाई एमपी कैसे आएगा, कहोगे सर ओपी माइनस ओएम, ये क्या हो जाएगा ओपी माइनस ओएम, अच्छा ओपी क्या है, ओपी क्या है पूरा का पूरा आर है माइनस ओएम क्या है, देखो ध्यान से ओएम, तो मैंने भैया एक फॉर्मूला लगाओ कि साइन थीटा
इक्वल टू क्या होता है बोलो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लेकिन क्या इससे कोई फायदा होने वाला है, आपको ये चाहिए ओएम। तो ओएम कैसे है, देखो ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये गिवन एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो शायद कॉस के लेने से फायदा होने वाला है, तो कॉस ही ले लो भैया। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा ओएम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है एल है, तो ओएम इक्वल टू क्या हो गया एल कॉस थीटा। तो आर माइनस क्या हो गया आपसे एल कॉस थीटा। फिर से समझते हैं ना, कहे के तो टेंशन ले रहे हो, कहे के समझ आ रहे हैं आप, इसीलिए तो वो समझा रहे हैं आप लोग को। वीपी कर डू मैंने कहा एमपी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, और एमपी कैसे आएगा ओपी माइनस ओएम, ओपी माइनस ओएम, ओपी कितना है आर है, आर माइनस। हमने कहा आपको ओएम निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया इस ट्रायंगल में कॉस थीटा ले लिया, और कॉस थीटा कर डू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ओएम अपॉन एल। तो ओएम कर डू कितना हो गया एल कॉस थीटा। तो अब देखो बच्चा आ गया बीपी कितना हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा। अब ऐसे आप बात करो एपी का कितना होगा, तो स्टूडेंट इसको पीछे थोड़ा सा बढ़ा दो क्योंकि इसका परपेंडिकुलर इस पे जाएगा नहीं, इस पे क्या कर दिया परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जब एंगल थीटा है तो ये भी क्या ही होगा थीटा, उसको हम सपोज किया, इसको से सपोज करने एन। तो अब जो ये एपी है किसके इक्वल हो जाएगा पीएन के, यहां पे चाहे एनपी भी ऐड कर दो, एनपी ध्यान समझिएगा एपी किसके इक्वल मैंने कर दिया एनपी के, ठीक है। अब एनपी क्या है ओपी प्लस ओएन, ओपी प्लस ओएन इज इक्वल टू ओपी कितना है आर प्लस, वही काम ओएन निकालना है, तो कॉस थीटा कर डू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे क्या हो जाएगा ओएन हो जाएगा। तो ओएन इक्वल टू कितना आएगा एल कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। क्या इसमें कोई तकलीफ हुआ, योर आंसर इज नो। सर भैया क्या करना था, इसमें से एल कॉस थीटा सबट्रैक्ट कर दिया, इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, इतना ही होता है, ठीक है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, नहीं समझ में आया क्लिक करिए पीछे जाइए फिर से देखिए, ओके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो वही प्रोसेस फिर ओल्ड वाला, कंसीडर वी वन एंड वी टू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज रिस्पेक्टिवली। अब क्या निकालेंगे, कहेंगे सर तो बहुत इजी होने वाला है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट फी वी कर टू वी वन प्लस वी टू, वी कर टू वी वन कितना होगा इसकी वजह से वन अपॉन फोर पाई एफ एल एन जीरो क्यू अपॉन आर, और क्यू कितना है माइनस क्यू है, आर कितना है ये इसके इक्वल था एपी, एपी किसके इक्वल है आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा एंड प्लस वन अपॉन फोर पाई फाइव जीरो क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। थोड़ी कितनी बात समझ में आ ही गया होगा, इसको इरेज कर दें। अब क्या करना है, कॉमन वाले टर्म को बाहर निकाल दो, वी इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई फाइव जीरो माइनस वन अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस वन अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस
वन अपान आर माइनस एल कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, इसको यहां भेज दो माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, हर एक समझ में आ रहा है ना, माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, फिर यहां पे प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा। अब मुन्ना ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस क्या हो गया खत्म, इनका तो खत्म हो गया ना, क्लियर हुई बात। और जब इनका खत्म हो गया जो कुछ भी बचा होगा उसको भी राइट करना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है इसको आपको छापना है, फिर आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, सुनो डाउन। सो वी इक्वल टू आ गया वन अपान फोर पाई एफ एल जीरो, क्यू अंदर भेज दो तो एल एल क्या हो जाएगा टू एल कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता ही है कि जो आर होता है जो एल होता है कंपेरिजन देन आर इज वेरी स्मॉल, तो एल स्क्वायर क्या कर दें हम, एल स्क्वायर क्या कर दें हम जीरो कर दें, तो खत्म हो गया, वही जो बचा राइट कर दो वन अपान फोर पे फलन जीरो इंटू पी कॉस थीटा अपॉन फाइव, ये होता है एट एनी पॉइंट वीकल टू वन अपॉन फोर पे फलन जीरो इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एट एनी पॉइंट पे क्या था वीकल टू वन अपॉन फोर पे फलन जीरो इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, ब्रोड साइन पोजिशन पे क्या था वीकल टू जीरो, यानी कि ब्रोड साइन पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर के, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बाकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। सो बिफोर कुछ नहीं, इसको क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।